नशे की बीमारी एक नहायत ही पेचीदा बीमारी है। जब भी कोई शख्स इस बीमारी में मुबतला होता है तो वो खुद फरेबी का शिकार हो जाता है। खुद फरेबी से मुराद ये है कि नशे की बीमारी की वजह से जो भी आने वाली तबाहकारियाँ होती हैं, मरीज़ उनको मानता नहीं है, मरीज़ उनसे इनकार करता है। फैमिली भी जब भी मरीज़ से कोई बात करना चाहती है कि आपकी बीमारी की वजह से ये मसाइल आ रहे हैं, तो मरीज़ फ़ौरन से इनकार करता है। यानी खुद फरेबी का मतलब ये है कि वो हकीकत को मानने से इनकार करता है, हकीकत को तस्लीम नहीं करता। तो आज हम सर से जानते हैं कि नशे के मरीज़ का उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कामयाबी के साथ इलाज किया जा सकता है, और अगर कामयाबी के साथ इलाज किया जा सकता है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, तो क्या उससे कोई फ़ायदा होता है? जी, हो सकता है। जैसे कि आपने फरमाया कि नशे का मरीज़ खुद फरेबी का शिकार होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी की तबाहकारियों को नहीं देख पा रहा होता, मगर जैसे ही वो इलाज में आता है और नशे के बादल उनके दिमाग से झटते हैं और हर आने वाले दिन के साथ वो अपने अंदर जब बेहतरी महसूस करता है, इसके बाद फैमिली इंटरवेंशन के ज़रिए से एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से मरीज़ को ये बताया जाता है कि इस नशे की बीमारी ने उनकी और उनके प्यारों की ज़िंदगी में क्या क्या तबाहियां डाली हैं, तो मरीज़ के अंदर एहसास पैदा होता है और मरीज़ इलाज के लिए राज़ी हो जाता है और बाकी मानदा जो इलाज है वो मरीज़ की रजामंदी से ही आगे बढ़ता है, जिसमें मरीज़ बढ़ चढ़ कर अपने इलाज में हिस्सा लेता है और सेहतियाब होकर घर चला जाता है। हमारे पास तकरीबन 97% पेशेंट्स का इलाज उनकी मर्ज़ी के बगैर ही शुरू होता है, मगर दौरान इलाज जब वो बेहतरी महसूस करते हैं और उनका डिनाइल टूटता है तो उसके बाद उनकी मर्ज़ी भी शामिल हो जाती है और वो सेहतियाब होकर ही घर जाते हैं।